मैं तो इंटरनेशनल राइवल्स की साइड पे आ गई। हाय बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये तारिक रोड की मार्केट है पूरी। ये जी फाइनल, अब पतीला हम वापस आटे से बंद करेंगे। साहिल हो जैसे शादियों का सीज़न होता है, बारिशों का सीज़न होता है, इसी तरह ये सरप्राइज़ का सीज़न चल रहा है। कल मैंने आपको एक सरप्राइज़ दिया, बच्चों को आके एकदम से सरप्राइज़ किया। वो समझ रहे थे मैं 12 बजे आऊँगी, मैं आ गई 8 बजे। तो इसी तरह से आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो अगले कुछ मिनट में यहाँ होगा गोल्फ क्लब में हमारे साथ, विच विल बी अ ह्यूज सरप्राइज़ एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड अ लिटल मोर विच कुडंट बी पॉसिबल, लेकिन खैर चलें। वेरी वेरी एक्साइटेड, तो बस एक दो मिनट और। जी जनाब, सरप्राइज़ जो है वो बिल्कुल पहुंच गया पार्किंग में और मैं जा रही हूं लेने, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा और दूसरा ये भी कि कोई मसला ना हो ढूंढने में। तो अभी तक तो मुझे कोई गाड़ी गेट में एंटर होती नज़र नहीं आई। नबीहा को भी मैंने बुलवा लिया है, दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। Hello. Hi. Assalamu alaikum. Wa alaikum. So good to see you in your country. Yeah. How are you? Alhamdulillah. How are you? Bilkul theek. You? Alhamdulillah. The wedding is still ongoing. So Achha. We've had the mehndi last night. It's beautiful. Look, Yaya, who's here? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And Asad, your car partner in Bradford. Yeah. Okay. बस करें नहलाना नहीं and head also, yeah. we don't have that. Because I've got a gunja head. I was just about to say. We don't have that issue. True. पहुंच गई हूँ जी मैं एयरपोर्ट और दिल मेरा धक धक कर रहा है अपनी बेटी से मिलने के लिए, और बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गई। नमाज मैं पढ़ के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है पप्पीज़ के साथ खेलना होगा हमें काफ़ी देर, तो फिर ये है कि फ्री होके खेल लेंगे ज़रा। तो अनिया मेरी जान आ रही है, आज अस्मा के साथ भी बहुत मज़ा आया। असद और अस्मा के साथ हम लोग इतना हंसे इतने दिन बाद कि शहजाद सिदरा लिशबा को बहुत मिस किया हमने, बिकॉज़ उनका प्लान था अगर वो होते तो आज उनके साथ प्लान होता, वो लोग घर पे होते, हम लोग सुबह नाश्ता साथ करते, लंच साथ करते, डिनर साथ करते। तो बस यही है, दैट्स इट। ये देखें हमारे लोग एथिकली कितने गलत हैं, ट्रॉलीज इधर उधर छोड़ी हुई हैं, पार्किंग इज़ अ मेस। मैं चाह रही थी कि अनिया को ख़ुद लेने जाऊँ एयरपोर्ट पे, एंड बट आई फेल्ट के पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आज एयरपोर्ट पे इतना रश है कि एक मॉब लग रहा है यहाँ पे। तो खैर मैं पहुँच तो गई हूँ, होपफुली दिस इज़, मैं तो इंटरनेशनल अराइवल्स की साइड पे आ गई, अब मैं डोमेस्टिक अराइवल्स की तरफ जा रही हूँ। पीपल हियर, प्रॉबेबली देयर वाज एन इंटरनेशनल फ्लाइट जिसपे बहुत रश था। पार्किंग आई थिंक आधा घंटा मैं इधर उधर चल रही थी, फिर एक अंकल ने मेरी गाड़ी की जगह जो मैंने मार्क की थी वहाँ पार्क कर दी। तो बड़े थे, मैंने उनसे कहा चलें आप कर लें, बट दिस इज़ रॉन्ग। I just can't believe I am right in time. मेरी सिखनी उतर ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, इतना बहुत ज़्यादा, जैसे खून में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, कैल्शियम की, ऐसी हो गई। तो मेरी प्यारी इज हियर, माशाल्लाह, आई कांट बिलीव, आई एम सी टर्बुलेंस हो रही थी, अली हमजा ने मुझे बहुत डरा दिया जहाज़ों से। क्यों? मैं आराम से मैं ट्रैवल करती थी पहले, तो डरने की क्या बात है बेटा, व्हेनेवर यू फील स्केयर्ड जस्ट लुक अराउंड एंड सी।
देयर आर पीपल यंगर देन यू एंड देयर पीपल नहीं मेरे आसपास तो कोई दुआ पड़ी थी जो मैंने भेजी हुई है हां पड़ी थी ना वो साथ वाली आंटी भी बहुत डर रही थी मैं उससे ज्यादा डर लग रहा चलो अल्लाह मालिक है यू आर हियर नाउ लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह आ गया वाटर ले मैडम मेरा अभी ड्रॉप पहले वाटर तो दे दो फायर करो and so many of you I didn't know that this has a lock here even I didn't know you didn't know no because I don't drink hot coffee so I don't need to know okay taste test very good you know, Spanish latte is very nice hot ice to many people I like hot coffee yeah. so coffee has to be hot tea coffee you can't have them cold you can mama yes cheers जी हम आ गए हैं घर और अब वो मोमेंट जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था और अनिया को बहुत इंतज़ार था शी इज़ गोना गो मीट द पपीज अनिया थैंक यू अब आ रहा मज़ा मम्मा बहुत आपकी कोई सेल्फिश बेटी है वैसे कसम से अभी अच्छी तो नहीं है वैसे बहुत ठीक है अनिया इसमें डालो ये इसका केबल मैं तो आपने अनिया क्यों बोला अनिया से कहा था मगर वो बिजी थी कोई नजर आ रहा है लेकिन वो इस वक्त भूखे होंगे द मोमेंट दैट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर बारात आ गई मैं तो रोड के लिए बैठी थी आप लोग गए थे I didn't even like it whatever you taste it बहुत प्यारी है हेलो मोका हेलो कैसे ये देखो आप कौन हो निम्बस ये सबसे ज्यादा पॉपी से मिलता है काय लूना कहाँ भी है ये तो दो छोटी सी बाल मैडम का नाश्ता नाश्ता तो ना हुआ अभी चार बजे और कॉफी ये तो ईमान की है आप अपनी पी चुकी हैं आज मेरी बेटी बना रही है अपने डैडी के लिए प्रॉन कढ़ाई और अपनी बहन के लिए वाइट चिकन कढ़ाई आज तो पार्टी टाइम है ना मैडम यस कॉफी क्या रहा था यार इसको खोलो ये जी बनी है वाइट हांडी पतीली में अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग मैं अभी उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ दावत की तैयारी के लिए सामान लेने गोश्त ऑर्डर करने गुड़ लेने गुड़ वाले चावल बनाने तो आई एम गोइंग टू द सुपर स्टोर घर पे तैयारियां हो रही हैं ज़बरदस्त किस्म की थोड़ा सा लाउंज की सेटिंग चेंज हो रही है क्योंकि ज़िया भाई बैठ के गाना गाएंगे सब सुनेंगे तो जगह तो होनी चाहिए ना प्रॉपर तो मैं अभी नाश्ता करूँगी और उसके बाद निकलूँगी गोश्त पिक करने कुछ चीज़ें लेने और आके पकाना शुरू कर दूँगी गैस पर तो ख़त्म हो जाती है 10 बजे तो चलें जी लेट्स गो आउट मारिया भी आई हुई है अनिया भी आई हुई है आज हमज़ा भी आ रहे हैं तो बस मज़ा आ जाएगा गुड मॉर्निंग काय मारिया अभी तो नहीं आई कब आएगी पता नहीं थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लो चलो एक एक करके लो उसको जरा पानी
आप शमशी बाली लग रहे हो मुझे। हाय बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, जरा मैं फैशन कर लूं। थोड़ी मिली है अगर गुची का चश्मा तो उसको एंजॉय तो करो। माँ ले ले। नहीं आप पे जितना अच्छा लगता है माशाल्लाह मैं आपको एक और ले दूं। अच्छा जी हुआ ये कि हम बैक टू बैक स्प्रिंग्स डिजास्टर्स। या वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था कि मैंने चीज़ें ली थी और इन्होंने वो चीज़ें मुझे दी नहीं, और नेक्स्ट डे जब मैं रसीद लेके आई तो जैसे हमने कैमरे में चेक किया है कि ये चीज़ें डालनी नहीं है। मैंने कहा ओके फाइन। तो अनिया ने कल गोश्त ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा कि जी ले लें आज 3 बजे। तो हम लोग आए, अनिया से मैंने कहा बाकी चीज़ें लें मैं जब तक गोश्त का करके आऊँ, बिकॉज आई वॉज रियली वरिड, स्ट्रेस थी। नमकीन गोश्त जो मैं आज बनाऊंगी आप लोग देखेंगे उसमें लगते हैं कोई 5 घंटे, और उसका बड़ा ट्रिकी प्रोसीजर होता है बनाने का मेथड। तो मैं उनके पास गई तो किसी को पता ही नहीं था कि किसी ने ऑर्डर किया है, किस नाम से किया है, तैमूर है तैमूर आया नहीं है। और 3 बजे ऑर्डर देना था, 2:50 पे देर लग, ऐसा तो कोई ऑर्डर है ही नहीं हमारे पास। या और 10 मिनट मैं वहाँ खड़ी रही, वो इधर उधर थैलों में ढूंढता रहा आदल। तो खैर ही साइड के अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने हमारा जो टू गो टू गोश्त वाला है तारिक रोड पे, उसका नंबर याया से मंगवाया, उसको कॉल किया। मैंने कहा बेटा आंटी फंसी हुई हैं। कह रहा है अच्छा आप मुझे पहले बताती, मैं ऑर्डर बना रहा था इतना बड़ा तो उसमें से निकाल लेता। ही साइड आप आएँ बाजी मैं कर देता हूँ कुछ। तो खैर अभी हम वहाँ जा रहे हैं तारिक रोड, अपने पुराने गोश्त वाले के पास जहाँ से हम गोश्त लाते हैं यूजुअली। तो ये तो बस ऐसे ही अरेंजमेंट होता है कि करीब है तो वो लें, तो अब उससे गोश्त लेंगे। तो मेरा अभी मैंने मारिया का मेकअप भी करना है, उस बेचारी ने रेडी होके पहुंचना है किसी शादी पे, तो घर जाते ही उसका मेकअप करूंगी, ये चढ़ाऊंगी पहले ताकि ये टाइम बच जाए, फिर उसका मेकअप करूंगी आराम से। और उसके बाद आज अली हमज़ा भी आ रहा है हमारा, अली हमज़ा के लिए उनकी बेगम को भी तैयार करना है, ताकि ये दोनों कपल जो है न्यूली वेड कपल माशाल्लाह। न्यूली वेड कहाँ से, न्यू ही है भाई, न्यू ही 2 साल हो गए अब तो। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो न्यूली बैठी है, बच्चे बच्चे सब तैयार होंगे, उसमें टाइम लगेगा। घर की तैयारियां जोरों पे है कि सेटिंग चेंज हो रही है, क्योंकि लाउंज में हमारा गाने का सिस्टम होता है। आंटी मुनव्वर का केक ले ले दावत के लिए, बट टू मच हो जाएगा। अली ने कभी नहीं खाया, अली ने बस तारीफें ही सुनी। चलो अली को खिला दूंगी मैं, ले लेते हैं अगर इनके पास रेडी है। हाँ रेडी होते हैं, दुकान इसीलिए खोली है ना। चलो ले लेते हैं। कौन सा, 3 मिल्क कोकोनट हाफ? हाँ 3 मिल्क की, हाँ। लेकिन हाफ कोकोनट कर लेते हैं, हाफ चॉकलेट कर लेते हैं। ओके डन। गुड न्यूज़ गाइस, शहीद मिल्लत रोड पे आंटी मुनव्वर की ब्रांच खुल गई है, विच इज़ ब्यूटिफुल। और ब्रांच में सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या है? प्रो पैलेस्टाइन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हमने यहाँ से केक लिया है, डिज़र्ट ऑप्शंस में ऐड करने के लिए एक स्प्लिट कोकोनट 3 मिल्क और चॉकलेट 3 मिल्क। हमज़ा को ट्राई करना है, उसने कभी नहीं ट्राई किया, तो वो भी ले लेंगे और उसमें डिज़र्ट ऑप्शंस में ऐड भी कर लेंगे। तो ये लेके हम जा रहे हैं जी अब तारिक रोड। Our order is ready. शिमला मिर्च अपने नमकीन गोश्त के लिए लेने आई हूँ। ये तारिक रोड की मार्केट है पूरी, तारिक रोड की पूरी मार्केट है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, देसी मुर्गी गोश्त। और ये है जी हमारा उमेर मटन एंड बीफ चिकन सेंटर, इससे हम लेते हैं गोश्त। एमरजेंसी में यही काम आया, हाँ जी उमेर कितना रह गया? आपका होम होगी जी, आपकी कैसे दिखाओ किस साइज की? मैंने हाँ बड़ी बड़ी है ना, हाँ ये पूरी 5 किलो है। ये हाँ ना, थोड़ा सा कीमा भी ये निकाला है ना आपका? नहीं अब मुझे इसके अलावा 5 किलो चाहिए। वो तो आपका गोश्त बनना है ना, उसके अलावा
मगर ये 5 किलो चाहिए। यहाँ मैं आपको ये वेट करके तोल दे। अच्छा जी, क्विकली, वैसे तो मेरे YouTube चैनल पे नमकीन गोश्त की रेसिपी है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। मैं आई हूँ ये मोंग का गोश्त लेके, मटन का बड़ी बोटी, और मैंने इसमें तकरीबन 5-6 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसको थोड़ा भून के इसमें मैं नमक डालूँगी और इसको बंद कर दूँगी हल्की आँच पर 2 घंटे के लिए। क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो? मैं मनमायल करने गाऊंगी, आपने कल ही बोला। नहीं 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 गाऊंगी, नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, नहीं गाएगी। थैंक यू मम्मा। जी जी, मैंने इसके ढक्कन पे आटा लगा के अब इसको दबा देना ताकि ये बंद हो जाए। खुल हल्की करनी, नजर भी नहीं आ रही। अब ये 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे बाद खुलेगा तो आपको दिखाती हूँ। खुली हुई है, खुली हुई है, पता नहीं। नहीं, ये अंदर बिछानी है। गला तो नहीं है अभी, इनकी जरा खुशबू भी नहीं, जरा भी। किन की? किन्नू की। टमाटर थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, 2 ग्लास पानी। इसको यहाँ से हाफ करना है, ये निकालना है और इसके अंदर भरनी है चीज़, और इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक, और नींबू।
ये जी फाइनल अब पतीला हम वापस आटे से बंद करेंगे और इसको हल्की आंच पे 1.5 घंटा और रख देंगे। सलाम करो ढोला मुद्दे बाया। आटा लगाएंगे और ये बंद। दिखाओ भाई तुम स्टेज दिखाओ। हाँ वेरी नाइस गुड। अनिया शगुफ्ता की क्या बात है। अनिया शगुफ्ता हमजा से देखी मीना ने रखा हुआ है ना। हाँ मीना रुबीना तारे। अच्छा नमकीन गोश्त तैयार है। पुलाव दम पे है। ओह माशाल्लाह। ओके क्वेश्चन। हाँ चश्मा नो चश्मा क्या चश्मा, चश्मा? चावलों को 10-15 मिनट के बाद इसको जी जनाब मैं रेडी हूँ और मैंने चेंज कर लिया। ये सूट मैंने सिलवाया था और ये पहन लिया क्योंकि ये लूज सा खुला सा है, उसकी फिटिंग बहुत ख़राब थी तो वो मैंने चेंज कर लिया है। एंड आई एम वेयरिंग दिस टुडे एंड लोग अब आना शुरू होने वाले हैं, 9 बज गए हैं तो बस दैट्स वाई वी आर रेडी। गुड़ वाले चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं तो बस आई थिंक आधे घंटे में दिल भी रेडी। चूल्हों का बड़ा मसला हो रहा है, एक तरफ का चूल्हा जो है वो जो शिफ्ट कराया था किचन में वो ख़राब है। म्यूजिशियंस भी आ गए हैं, वो सेटिंग कर रहे हैं अपनी। पुलाव तो दम पे लग गया है, ये उबल जाए। जुती तेरी चीक मचीका बेच दिल दी धार वे। जुती तेरी चीक मचीका बेच दिल दी धार वे। निकिया निकिया टोरा टुर दियो ओ निकिया निकिया टोरा टुर दी हाँ कले दे पार वे। अनिया who has Shizu? Anja. I was just saying, look how fluffy and look at this. Shizu. Shizu. I like the connection with Shadan though. Yeah. I find that quite so relatable. No, he named it. It's not me. No. I'm staying away. I'm very scared of dogs. Still? Puppies? No, puppies I'm fine to even be honest. Even cute ones like yeah, that? Yeah, no. Come on. Because since how I was a child, you? I got bitten so many times by dogs. Yeah. Were you a naughty one? Were you bad to them? No, it's the kind of jobs I had at the time. So as a student, he was doing... I was a postman. He was a postman. And so... So when I used to go to people's houses, the dogs used to bite me. No wonder. And when I was younger than that, I was a paper boy. Again, go to people's houses and you're a paper boy. So then I obviously, dogs again. But these are adorable. Yeah, these kind of dogs don't bite. I mean, I could take one home. You know what? Smaller breeds are more aggressive than bigger breeds. Are they? Yeah, because they have a lot of energy contained in a tiny body. They can't handle it. Bruno would like never ever bite anyone. She and has Poppy a has bite if everyone he does. In the house. Yeah. If he does. Yeah, you're gonna... मीठा हो गया है गरम। कुछ राम करने
हो गया है? चलो फिर अच्छी बात है, अगर हो गया तो बिल्कुल शीरा हो गया। हाँ ये शोरबा इसमें डाल दो। लेट्स गो मैडम, चलें चलें। जेंटलमैन आइए, खाना ठंडा हो गया तो फिर नंबर मेरे खराब होंगे। सो लेट्स गो सिद्दीकी, कम डाउन। द प्राइस इज राइट। यस, यू डोंट नीड एनीवन। यस, दैट्स इट। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तालियां बजाएं, इमरान जावेद आए। जी जी, तालियां ही तालियां। मिस्टर सिद्दीकी, हाउ डिड यू लाइक द फूड? एक्सीलेंट, रियली गुड। एंड डेजर्ट? आउट ऑफ डेट। अच्छा, चलो इमरान आ जाओ ना, आइए। अब लोग ज्यादा हैं, अब तालियां ज्यादा होनी चाहिए। इमरान जावेद आए हैं भाई। आज पूरा घर खसा खस भरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। कैसा तो कैसे गाने सुनेंगे, तेज या फास्ट? फास्ट फास्ट। अच्छा, तेज तेज, ठीक है। आप एक अच्छा वाला गाना सुना था, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, हूँ से पता चल जाता है कि आर्टिस्ट कैसा होगा, हूँ करने से, और पब्लिक का भी पता चल जाता है कैसी। लेकिन पहला गाना जो है वो मैं सुनाऊंगा, याया भाई की फिल्म। जी जी, ये देखें आप कैसी बात है, ये सबको नहीं पता, और मैं सबको बताता हूँ ये बात। पहले तो पता था सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हिट नंबर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, और मैं हमेशा गाता हूँ। वो पहन कर रहे हैं, वाह वाह वाह। यूं पहलो में बैठे यहाँ तक कैसा लगा आपको? तालियों में जाके बता दें। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा आप लोग हर गाने को एंजॉय करें, क्योंकि मैं नाराज हो गया तो जाऊंगा भी नहीं। Oh, 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 oh
बड़ी प्यारी वांगी क्योंकि ये वो बात है जो मैं सुनना चाहता हूँ और मैं अपनी सफाई में इसके जवाब में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझको जाने दो गोरे दूसरा सुनाता हूँ, हिट हो गया इससे ज्यादा। उड़ने लगा क्यों, तालियां तो रोकें कम से कम। मन बावरा रे आया कहां से, ये हौसला रे उड़े पे मर जाऊं या जी लूं
अच्छा मैं चलता हूँ। इमरान एक दफा वो किस्सा सुना दो, वो जो गन पॉइंट पे कुछ। हाँ, ये तो वो ना आ जाए, वो नहीं सुन रहे हो ये बात। फिर आ जाए वो एक बार वो छीनने वीनने का भी काम होता था ना यहाँ पे, चीजें स्नैचिंग ये मोबाइल दे दो। तो एक दफा तो बिल्कुल जब शुरू शुरू में ये काम शुरू हुआ था, बिल्कुल उस वक्त की बात है, नए नए एक मोबाइल आया था, हमें गिफ्ट मिला था दुबई से आया था, तब हम लेके जा रहे हैं पैदल, तो अचानक एक बाइक गुजरी और उसने मुझे क्रॉस कर लिया, मैंने भी उसे क्रॉस कर लिया। तो चूंकि आवाज़ के लोग हैं हम लोग, तो एकदम मुझे लगे कि इसकी स्पीड, आवाज़ थोड़ी स्लो हुई है, स्पीड थोड़ी कम है। तो स्पीड स्लो हुई और मैं जा रहा हूँ, मुझे मैं सुन रहा हूँ स्पीड स्लो हुई, फिर मुझे लग रहा है कि वापस आ रही बाइक, आवाज़ ऐसी आ रही है, बिल्कुल सही लगा मुझे। वापस आके ऐसे उन्होंने सामने लगा दी मेरे बाइक, और पीछे जो साहब बैठे थे कह लगे मोबाइल दे दे अपना, तो मैंने कहा ऐसे ही दे दे पहले कुछ दिखाओ। तो उसने पिस्टल निकाल के मुझे दिखाया, कह रहा अब, मैंने कहा ये लीजिए। बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे फनकार को पहचान जाते हैं, और नहीं सही बात है, बड़े लोग छोटे फनकार को पहचान जाते हैं, और अपने से जो छोटे हैं उनकी तो समझ में नहीं आता। मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ये मेरे हम नशी गुलसिता को लहू की जरूर सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन है, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, ये मेरे हम नशी। जिया भाई बहुत सी तालियां। देखो क्या मजा आया, पंजाबी इस्तांबुल में अरे वो सुना था बस, हाँ ये भी बहुत पंजाबी। उठदा दुपट्टा मेरा मल मल दा, दिल उत्ते जोर चना नहीं चलदा, आवे ते मनावा कि मैं हाथ जोड़ के माही में तो गुस्सा की तेरी गलदा, सानु प्यार वाली कौड़ी उत्ते पाके, सानु प्यार वाली कौड़ी उत्ते पाके, देखो माही किथे रह गया, सानु नैर वाले पुल ते बुला के। बहुत सी तालियों में जिया भाई।
Oh,
तब्दीली आई है, जमाने में सिर्फ गाते थे, अब शायरी पे तवज्जो ज्यादा हो गई, उसको एंजॉय ज्यादा करना, ऐसे ही ना? समझ में आ रहा है। हमने इलाज जख्मे दिल तो ढूंढ लिया, thank you.
जकी भाई चले गए? थैंक यू, लव्ड एवरी मोमेंट ऑफ योर कंपनी, हैड एन अमेजिंग इवनिंग, लव्ड हैविंग यू अराउंड. सो यू लीविंग ऑन 25th? आई एम लीविंग ऑन 25th. हॉस्पिटैलिटी प्लीज. Okay, so are we meeting again? Maybe in golf club, see the sunset? I will try. I'll message you. Are you coming back from Islamabad or not? I am, but I'll only have enough time to pack.